बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर होफियत से होंगे। व्यूअर्स, अल्लाह ताला हम सब को सेहत याद रखे और हमारे बच्चों को निकोकार बनाए, आँखों की ठंडक बनाए और हमारे लिए सबका जारिया बनाए, तो इनको देखो साले बनाते। व्यूअर्स, आज देखो काफ़ी मौसम चेंज हो रहा है, तो जिसमें हम एक से दूसरा बंदा देखे थे फ्लू और नकल ज़ुकाम में मुबतला है, बुखार में, तो इनके लिए तो व्यूअर्स मैंने सोचा है कि क्यों ना दलिया बना के इनको दिया जाए। तो मेरे बेचारे ठीक था तो दलिया बनाना शुरू करते हैं। तो दलिया के लिए बनाने लिया है ये गंदम। तो गंदम को पहले मैं ये साफ़ करूँगी, उसमें से देख लूँगी कोई चीज़ ऐसी हो तो वो निकाल लूँ। देखो साफ़ करके डाली हुई है, लेकिन फिर भी इसमें से देख लेना चाहिए इसको एक नज़र। पहले तो मैं इसमें वैसे देखूँगा, फिर ज़रा थोड़ा ठंड की वजह से इसको थोड़ा थोड़ा तो साथ माह हो गया दाने ये डाले हुए इसके अंदर, उनको अच्छी तरह साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद अब थोड़ा सा उनको मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया। अब हम इसको थोड़ा भून लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गंदम हम दो से करके भून लेंगे, क्योंकि बटर थोड़ा छोटा है इसलिए दो बार इसको भून लेंगे। ये हल्की आँच पे भून लेंगे और पीसने में ये आसानी रहेगी, थोड़ी नरम हो जाती है, तो फिर चक्की चला रहे मुश्किल नहीं होगी, तो जल्दी ये दलिया पिस जाएगा। वैसे भी ये गर्म हो चुकी होगी और थोड़ी नरम भी हो जाएगी भूनने। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ताकि जल्दी बाहर निकले। इसको अच्छी तरह छान लेंगे, क्योंकि पकाते वक्त ये ऐसे ये आटे समेत पकाएंगे मोटा और बारीक, तो ये बटन के पैदे के नीचे लगेगा, इसलिए इसको छान लेंगे। तो मोटा मोटा हम पैदे डालेंगे। ठीक वाला जो तो इसको पकने के करीब करके डालते हैं, थोड़ा सा पानी में हल करके, दूध में हल करके। ये हमारा दलिया तैयार हो चुका है, तो ये मिलता है, हम पकाते वक्त सबसे पहले इसको डालेंगे। ये मोटे वाला दलिया, तो ये दलिया जो बारीक है आटा का निकला है, इसको जब पकने में 10 मिनट रहते होंगे, तो इसको हल करके दूध में या पानी में इसके अंदर शामिल कर दिए। तो व्यूअर्स, आपने इजाज़त दे दिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का। ओके, अल्लाह हाफिज़।